फ्रेंचेसी शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मशरूम मसाला बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 250 ग्राम मशरूम ले लिए हैं। इनको हम ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट देंगे और इनको हाफ कर लेंगे। और अगर छोटे मशरूम हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बड़े हैं तो हाफ कर लीजिए। ये देखिए, इसको हम थोड़ी थोड़ी सी स्टेम काट लेंगे और उसके बाद हाफ कर देंगे। चलिए पहले हम मशरूम काट लेते हैं। अब हम मशरूम को अच्छे से साफ कर लेंगे। 3-4 बार आप अच्छे से पानी से धुल लीजिए ताकि जो भी इसमें डस्ट होगी वो निकल जाएगी। वैसे तो मिट्टी नहीं होती है मशरूम में, लेकिन और इसमें भूसी वगैरह लगी होती है, तो उसको अच्छे से 3-4 पानी धुल लीजिए तो साफ हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं धुल के। और फ्रेंड, ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने 4 प्याज ली है, स्मॉल साइज की प्याज है, 5 से 6 लहसुन लूंगी, कलियाँ लहसुन की, 4 हरी मिर्चें हैं, 3 मैंने टमाटर लिया है, और ये लिया है अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें हमें छील के और रफली काट लेनी है, क्योंकि हमें इसको मसाला भुनने के बाद पीसना है, तो रफली काट लेंगे तो भी चलेगा। पहले हम मशरूम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई ले ली है, मैं इसमें 1 टीस्पून के लगभग तेल लूँगी। मैंने सरसों का तेल लिया है, अभी हमें ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करना है, इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसको भुनने देंगे। ये देखिए ब्राउन हो गया, इसमें अब हम मशरूम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हमें स्लो फ्लेम पे भूनना है। हल्का सा हम इसमें नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने 2 चुटकी, ताकि मशरूम का जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। और स्लो फ्लेम पे ही हम इसको भूनेंगे। जब तक मशरूम भून रहा है, हम अपने जो प्याज लहसुन है ये सब काट छील लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, स्लो फ्लेम पे हम मशरूम को फ्राई कर रहे थे, और मशरूम ने कितना पानी छोड़ा है, कितना मॉइस्चर निकला है, इसको हम सुखा लेते हैं मॉइस्चर को। ये देखिए फ्रेंड, मशरूम का मॉइस्चर सूख गया है। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च लेंगे और 1 चुटकी बस गरम मसाला लेंगे, और इसको भी इसके साथ ही अच्छे से भून लेंगे। अब हम इस मशरूम को निकाल देंगे एक प्लेट में, इसको साइड रख देंगे, फिर हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब इसी पैन में हम तेल ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून हम तेल लेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें आधा छोटा चम्मच हम जीरा ले लेते हैं। लहसुन और अदरक डाल देंगे, मैंने लहसुन ऐसे ही साबुत ही डाल दिया छिल के, अदरक को थोड़ा सा काट लिया है 4-5 टुकड़ों में मोटा मोटा, ये देखिए, और इसको डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। अब हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, प्याज ब्राउन हो गई है, हमें बहुत जलाना नहीं है, बस ब्राउन करना है, जिससे कि ग्रेवी की मिठास बरकरार रहे। अब हम इसमें ये देखिए रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे, जो मैंने 3 टमाटर लिए थे, और इसको डालने के बाद हम मसाले भी ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ध्यान रखिएगा आपने पहले भी नमक डाला हुआ है मशरूम भूनते समय। थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 छोटे चम्मच, चम्मच आपने देखा है मेरा बहुत छोटा है, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून। अब हमें मसाले को अच्छे से भूनना है, जब तक कि टमाटर गल ना जाए और मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला तेल छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसको मिक्सी में पीसना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उससे इसी कढ़ाई में चला लीजिए, लेकिन मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब हो चुका है, मैं इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीसूंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने मसाला पीस लिया है, इसको हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, सारा मसाला हमने कढ़ाई में डाल दिया है, साथ के साथ हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ले रहे हैं, कि फ्रेश दही है, और इसको भी डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं, और हमें इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको भी इसी के साथ थोड़ा सा पकने देंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, पहले भी मसाला भुना हुआ था। अब हमने फ्राई किए हुए मशरूम डाल दिए हैं और इसको स्लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मशरूम मसाला बनके रेडी हैं, और अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लास्ट में आप हरा धनिया डाल दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मसाला मशरूम रेडी हैं,
आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोस्टेड रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी ही डालूंगी और हरा धनिया नहीं डालूंगी। अभी हरा धनिया है भी नहीं मेरे पास और मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी मसाला मशरूम रेडी है। फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड आप इसको थोड़ा और रिच बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने प्याज लहसुन भुना था उसी के साथ आप इसमें काजू बादाम खरबूजे के बीज ये सब डाल के भी भून सकते हैं और पीस सकते हैं। इससे ये सब्जी और रिच हो जाएगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।